रेलगाड़ी द्वारा पूछा गया प्रश्न सीजी व्यापम से जीपीएससी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। नमस्कार, मैं हूं रुपेश और आप सभी का स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास करने वाले हैं रेलगाड़ी, रेलगाड़ी से सीजी व्यापम, पीएससी, एसएससी, रेलवे, जितने भी एग्जाम होते हैं वहां से आपको एक से दो नंबर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के प्रश्न देखने वाले हैं रेलगाड़ी, जो कि आने में, जाने में, व्यक्ति को पार करने में, खड़े व्यक्ति को पार करने में, रेलगाड़ी को यानी कि खंभे को पार करने में, प्लेटफॉर्म को पार करने में, सभी प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहे, लास्ट तक जरूर देखें। पहली बार आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं रेलगाड़ी से, ठीक है। रेलगाड़ी से प्रश्न देखने वाले हैं सीजी व्यापम से, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। ये देखिए दोस्तों, चाहे आप टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल हल करो या रेलगाड़ी का सवाल करो, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, चाल बराबर होगा दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल। इसको याद रखना जरूरी है। साथ ही एक और बात याद रख लीजिएगा, एक्स किलोमीटर, ठीक है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अगर एग्जाम में कभी भी इस प्रकार पूछे तो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है किससे गुणा करना होता है? 5/18, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अगर एक्स किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, रेलगाड़ी वाले सवाल में, ठीक है। अगर उसी प्रकार दिए जाए एक्स मीटर प्रति सेकंड, एक्स मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, एक्स मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, अगर एक्स मीटर प्रति सेकंड दिया है तो आप किससे गुणा करोगे? 18/5 से गुणा करोगे। किससे गुणा करोगे? 18/5 से गुणा करोगे, ठीक है। देखिए, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है तो 5/18 करोगे, अगर एक्स मीटर प्रति सेकंड दिया है तो 18/5 करोगे। यही ये जो दो टॉपिक है, यही जो दो टॉपिक है आपको याद रखना पड़ेगा। इसको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट शॉर्ट में, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो कि व्यापम और पीएससी में पूछा गया है, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछ दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है तो कैसे चेंज करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो उसको क्या करेंगे? 54 × 5/18, ठीक है, ये इसे गुणा करेंगे। जैसे कि किलोमीटर दिया है तो उसको प्रति सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, 18 × 54, ठीक है, 18 × 18, 18 × 36, 18 × 54 और 5 × 15, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर आपको 72 किलोमीटर प्रति मिनट दिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहेगा, ठीक है, तो क्या करोगे? 72 × 5/18। अब 18 से जो काट दोगे कितना बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा, 18 × 4 = 72 और 5 × 4 = 20, ठीक है, ये आपको 20 मीटर प्रति सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। 20, ये 15 मीटर प्रति सेकंड और ये 20 मीटर प्रति सेकंड, इस प्रकार आपका ऐसे चेंज करना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही अब देखिए, किलोमीटर में तो चेंज किए हैं, अगर इसी को यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अगर इसी को अगर चेंज करना है, ठीक है, एक्स मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करेंगे? जैसे 20 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, अब उसको चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे? तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, मीटर प्रति सेकंड बोला गया है तो 20 × 18/5, 5 × 5 = 5, 5 × 20 और 18 × 72, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, इस प्रकार ऐसे बनेगा। अगर ये वाला आपको समझ नहीं आया तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ ले लेते हैं 40 मीटर प्रति सेकेंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए, 40 × 18/5,
ये वाला फार्मूला लगाओगे, x मीटर प्रति सेकंड वाला अगर मीटर में दिया है तब अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो 5 8 40 और 18 8 कितना होता है, जल्दी बताइए इसका आंसर, कमेंट में जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आप सभी के लिए क्वेश्चन, इसका आंसर सॉल्व करो इसको, ठीक है। 18 8 कितना होता है जल्दी बताइएगा। हाँ, बाकी लोगों का आंसर आ चुका है, ठीक है। रमेश, राहुल, गीता का 144 आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए, इन तीनों लोगों का सही हुआ है, बाकी किसका 164 किसका आ रहा है, रमेश क्या है, गोलू है, नहीं 144 होगा, ठीक है। 18 8 144 होता है, ठीक है, 18 8 144 होता है। इसके बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं सीजी व्यापम और पीएससी का, जो कि एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या पीएससी की कोई भी है ना, ठीक है, उसका एग्जाम होने वाला है। देखिए, अब 6 नवंबर की बात करें तो 6 नवंबर को, ठीक है, 6 नवंबर को आपको एसआई का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, एसआई प्री का एग्जाम होने वाला है, सब इंस्पेक्टर सूबेदार प्लाटून कमांडर का, ठीक है। अगर जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, व्यापम और पीएससी में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ठीक है, 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार करेगी। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया हूं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, उसी प्रकार समय बराबर क्या होता है जल्दी बताइएगा। समय बराबर जस्ट अभी आपको मैं समझाया हूं, ठीक है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल। देखिए, मैं आपको यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो देखिए, 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, मान लीजिए एक रेलगाड़ी है, ठीक है, ये एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक रेलगाड़ी है, ये तो ये आपके समझने के लिए मैं चित्र बना दिया हूँ, चाहे जैसा भी हो, ठीक है, ये एक रेलगाड़ी है, ये एक रेलगाड़ी, ठीक है, 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यानी कि 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, मान लीजिए 350 मीटर की लंबी एक रेलगाड़ी है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी गुफा की ओर कितनी देर में पार करेगी, गुफा की ओर कितनी देर में पार करेगी, तो इसको कैसे सॉल्व करना है तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 350 मीटर लंबी एक जो एक रेलगाड़ी है 54 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है, लेकिन यहाँ पर 250 मीटर लंबी जो एक रेलगाड़ी गुफा को कितनी समय में पार करेगी, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। चलिए, 350 प्लस 250 कितना हो जाएगा आपका, 350 और 250 मीटर है ना, इसको हम चेंज करने वाले हैं, तो सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 3 और 2 5 1 600, ठीक है, 600 मीटर आपका रेलगाड़ी हो गया है। अब सबसे पहले 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है, तो 54 किलोमीटर, देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5 बटे 18 से इसको गुना कर देंगे, ठीक है, 5 बटे 18 से गुना कर देंगे, ठीक है। नीचे में आपको नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं तो 18 3 54 और 5 3 15, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब पूछा गया क्या है, कितनी देर में पार करेगी, यानी समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना आपका 600 मीटर है, तो 600 बटा 15, तो 15 चौक 60 40 आपका आंसर आ जाएगा। तो कितनी देर में पार कर रही है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा में, मतलब इसमें पार कर रही है, ठीक है, अगर किलोमीटर में दिया होगा तब, अगर ऑप्शन में आपका मीटर प्रति सेकंड दिया रहता है तो आप आंसर में मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया क्या, एक बार कमेंट करके बता दीजिए यहाँ पर आपको क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है, कमेंट करिएगा जल्दी से, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है
मतलब 72 किलोमीटर घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी जा रही है, 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो बिजली के खंभे को पार करने में, चाहे व्यक्ति को पार करने में, चाहे प्लेटफार्म को पार करने में, या खड़े प्लेटफार्म या खड़े व्यक्ति को पार करने में लगा समय, ऐसा ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो सबसे पहले इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो 5/18 करेंगे, 18 चौ 72 और 5 चौ 20। ठीक है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ गया है। अब पूछ रहा है कि 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय आपका दिया गया है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी कितने आपका 60 मीटर है। ठीक है, तो दूरी बराबर आपका होता है कितना, दूरी बटा चाल। ठीक है, ये कितना हो जाएगा समय के लिए। ठीक है, तो समय दूरी बटा चाल कितना हो जाएगा, दूरी आपका कितना है यहाँ पर 60 मीटर है, तो ये आपका हो जाएगा 60 मीटर। अभी आपका 20 मीटर आ चुका है, ये आपका क्या हो जाएगा चाल हो गया, तो इसको लिख देते हैं 20 एकम और 20 दिया 60, तो कितना समय लग रहा है, 3 घंटे समय लग रहा है, तो आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आप बताइएगा यहाँ पर क्लियर हुआ कि नहीं। सभी लोगों का आंसर आ रहा है, रमेश, राहुल, सोनू, कमलेश, गीता, क्या नाम है इसका, पटेल, क्या मनीष पटेल है, चलिए मनीष पटेल का भी आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही बोल रहा है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया क्या, आगे बढ़ें। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि व्यापम में आया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि व्यापम में आया हुआ है। ठीक है, 100 मीटर की एक लंबी एक रेलगाड़ी, ठीक है, 100 मीटर की लंबी एक रेलगाड़ी, 100 मीटर की लंबी, ठीक है, एक रेलगाड़ी, ठीक है, 100 मीटर की लंबी एक रेलगाड़ी है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या कर रही है, जा रही है। ठीक है, और एक व्यक्ति या व्यक्ति को पार करे या खंभे को पार करे तो उसको लगा समय, यानी कि 100 मीटर की एक लंबी जो रेलगाड़ी है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, और एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति चाहे खंभे को पार करे चाहे प्लेटफार्म को पार करे, चाहे खंभे को पार करे या प्लेटफार्म को पार करे तो कितना समय लगेगा, यह प्रश्न में पूछा है, कितना समय लगेगा, आपको समय निकालना है। ठीक है, सबसे पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दिया है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करें, 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिए तो 30 × 5/18, ठीक है, 3 से इसको काट देते हैं, 3 × 6 = 18, 3 × 10 = 12 हो जाएगा, 3 × 30, इसको भी काट देते हैं फिर से एक बार, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, तो 5 × 25, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 25/3 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका क्या निकल के आया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन समय निकालना, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय के लिए आपको मैं फार्मूला बताया था, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं दूरी कितना दिया है आपको, 100 मीटर दिया है, कितना दिया है 100 मीटर। ठीक है, चाल कितना निकल कर आया, 25/3, ठीक है, 25/3। अब चलिए इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये 3 वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 3 वाला आपका क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 100 × 3/25, 25 × 25 = 25, 25 × 100 = 4 = 12, इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 घंटा, इसका मतलब समय लगेगा, कितना समय लगेगा इसका पार करने में, कितना समय लग रहा है 12 घंटा, इसका समय लग रहा है। ठीक है, यहां तक आपका आंसर आ चुका क्या, गीता का आया हुआ है, रमेश का है, मोहन का है, गिरधारी का है, हाँ बिल्कुल सही है, सभी लोगों का आंसर आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले किसका आया है कमेंट देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मनोज तिवारी का आया है, उसके बाद है राकेश शर्मा, चलिए 2-3 लोगों का आंसर आ चुका है, और किन आ रहा है, महेश गोपाल, क्या है, गोपाल सोनवानी, ठीक है, उनका भी आंसर आ चुका है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि व्यापम में पूछा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देख लें क्या, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख ही लेते हैं,
यहाँ तक क्लियर होगा किन किन का आंसर आ रहा है? देखिए हाँ, बहुत लोगों का आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर। बिल्कुल 7 से 8 लोगों का और आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि व्यापम में आया हुआ है। ठीक है, व्यापम में आया हुआ प्रश्न है, 126 मीटर तथा 114 मीटर की दो रेलगाड़ी। चलिए 126 मीटर तथा 126 मीटर तथा 144 मीटर, ठीक है, 126 मीटर तथा 144 मीटर की दो रेलगाड़ी। ठीक है, दो रेलगाड़ी 126 मीटर तथा 144 मीटर की दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है। कौन से दिशा में जा रही है? विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, इसको ध्यान से समझिएगा, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। 126 मीटर तथा 144 मीटर की दो रेलगाड़ी है जो विपरीत दिशा में जा रही है। विपरीत का मतलब होता है इधर से एक रेलगाड़ी जा रही है और एक इधर इधर, जैसे कि देखिए एक जो एक रेलगाड़ी, मान लीजिए ये आपका रेलगाड़ी है, ठीक है, ये एक दिशा में जा रही है फिर इधर से आ रही है, यानी कि जाने में और आने में, जाने में और आने में लगा समय यानी कि आपका प्लस हो जाएगा। और एक ही दिशा में अगर रेलगाड़ी अगर एक ही दिशा में जाएगी, ठीक है, अगर रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाएगी तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसको घटा देंगे। अगर इधर से आ रही है और इधर से आ रही है, यानी कि जाने में और आने में यानी कि विपरीत, और एक ही दिशा में पूछा जाए तो आप माइनस करोगे, ठीक है, क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ये आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया था मैं। तो देखिए 126 मीटर तथा 144 मीटर की दो रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में जा रही है, इसके बाद पूछा गया है आपका, तो क्रमशः ठीक है, क्रमशः 30 किलोमीटर तथा 42 किलोमीटर घंटा की चाल से आ रही, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो इसका क्या निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल, क्या निकालेंगे, समय। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि 126 मीटर और 144 मीटर की दो रेलगाड़ी है, तो इसको जोड़ देते हैं, 126 प्लस 144 कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए इसका हिसाब कितना आ जाएगा, 6 में 4 के 6 और 4 10 के 0 हासिल, 1 4 और 2 6 अब 1 7 अब 1 और 1 2 यहां तक क्लियर हुआ? ठीक, अब देखते हैं क्या कहता है कि यहाँ पर 30 किलोमीटर और 42 किलोमीटर यानी कि विपरीत दिशा में जा रही है, क्या करेंगे, 30 और 42 को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या निकालना है आपको, किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है, तो सबसे पहले चेंज कर देते हैं इसको, 5/18 से भाग कर देंगे तो 18 चौक 72 और 5 चौक 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ गया है। अब क्या करेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो इसको यहां से भाग कर देंगे, ठीक है, ये वाले से भाग कर देंगे, ये आपका क्या निकल कर आया था, दूरी, ये आपका दूरी हो गया 270, अब चाल हो गया आपका, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड चाल हो गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 270/20, ठीक है, चलिए सॉल्व करें, ये एक जीरो कट गया, इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है, 2 1 कम 2 और कितना जाएगा, इसको सॉल्व करो तो जल्दी आंसर लाओ, 13 सही 1/2 किसका आंसर आया है, ये वाला आएगा आंसर, ठीक है, 13 सही 1/2 इसका आंसर आएगा। किन लोगों का आ चुका है, मनीष, गीता, रमेश, राहुल, मनीष कश्यप, मनीष तिवारी, बिल्कुल सही है आप लोगों का, 13 सही 1/2 आएगा। ठीक है, देखिए कैसे काटना था आपको, 270 को 20 से करोगे तो 1 0 0 काट गया, इसको 13 2 26 और 1 27 यानी कि 13 सही 1/2 आपका आंसर आएगा। कितने लोगों का आ रहा है, 15 से 20 लोगों का आंसर आया है, 15 से 20 लोगों का आंसर आया है।
देखिए जो लोग व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है, साथ ही बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। जब भी मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।